भगवान राम लला को राम भक्त दिल खोल करके दान दे रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में दान आ रहा है, वहीं सोना चांदी भी दान में आ रहा है। तो वहीं अगर पूरे महीने की बात करें तो करोड़ों रुपए राम भक्त राम लला को दान दे रहे हैं। ऐसे में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम भक्तों ने दिल खोल करके राम लला को दान दिया है और जो राम भक्तों का सपना है वो भी साकार होता दिख रहा है। और 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो इन राम भक्तों ने सोना चांदी और पैसे के साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें दी हैं जो उनके श्रद्धा भाव से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में जो सम्मिलित हो सकता है, जैसे वह अगरबत्ती हो, इत्र हो, धूप बत्ती हो, या फिर कई स्थानों की मट्टी हो, या फिर कई तीर्थों के जल हो। यानी कि हर राम भक्त अपने श्रद्धा भाव से भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में दान करना चाहता है, राम लला के मंदिर में दान करना चाहता है। तो राम भक्तों के ने जो है भगवान राम लला के लिए अपने खजाने खोल रखे हैं और रोजाना लाखों की संख्या में भगवान राम लला के दर्शन करने राम भक्त आते हैं। तो भगवान राम लला के दान को भी पूरी तरह से दान देते हैं। दानदाताओं ने भगवान राम लला के लिए दिल खोल करके दान दिया है। राम लला के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल रखे हैं और रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त राम लला का दर्शन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो वहीं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले करोड़ों रुपए हर महीने राम लला को दान आ रहा है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो दान है वह 4 गुना बढ़ भी जाएगा। जिस प्रकार से राम भक्तों का हुजूम अयोध्या में उमड़ रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम भक्त राम लाखों की संख्या में राम लला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तो जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का ये भी कहना है कि अभी जो करोड़ों रुपये हर महीने दान आ रहा है, वो आने वाले दिनों में वो 4 गुना बढ़ सकता है। हमारे यहाँ दान पात्रों में रोजाना धन पड़ता है और जब भर जाता तभी उसकी गिनती होती है, तो कैसे कह दिया जाए कितना आ रहा है। लेकिन हाँ, काउंटरों पे और जो आ रहा है वो लगभग 3 और 4 लाख के बीच में रोज आ रहा है। जोड़ लीजिए आप, महीने में लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आ जा रहा है। दान दाताओं की कमी नहीं है और अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़ के लोग दान दे रहे हैं और अनोखी अनोखी चीजें बनवा के ला रहे हैं। कर्जे भगवान के लिए हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो लोग कर रहे हैं।